नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के नतीजे जारी हो चुके हैं। आज 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे एक साथ जारी किए गए, जिसमें प्रदेश के ऐसे होनहार छात्र जिनकी मेहनत और लगन से वो टॉप 10 में अपनी जगह बनाए, तो पूरे प्रदेश में 12वीं बोर्ड में पहला स्थान योगेंद्र वर्मा ने हासिल किया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पास होने वाले छात्रों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह विद्यार्थियों ने जिन बोर्ड परीक्षाओं के माध्यम से जिंदगी के एक अहम चरण में सफलता अर्जित की, उसी तरह भविष्य में भी जिंदगी के हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर पाने वाले छात्र छात्राओं को सीएम ने पूरे धैर्य, हिम्मत और मेहनत के साथ निरंतर अध्ययन करने की समझाइश दी। छात्रों की मेहनत स्वराज एक्सप्रेस करता सफलता को सलाम करता है। मुंगेली जिले में एक बार फिर 12वीं बोर्ड एग्जाम के परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद 3 छात्रों ने टॉप किया है, जिसके बाद जिले के कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे सहित डॉक्टर रश्मि भूरे और एसपी सीडी टंडन उनके घर बधाई देने पहुंचे। जिले के छात्र योगेंद्र वर्मा प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। कलेक्टर का कहना है कि योगेंद्र वर्मा को ISS बनने तक के सफर में उन्हें अपनी ओर से मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं और लोरमी से योगेंद्र वर्मा जो पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, जो महाराणा प्रताप स्कूल में पढ़ने वाले हैं और 97% के साथ पास किए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि पूरे परीक्षा परिणाम को लेकर कितने घंटा पढ़ाई करते थे और कैसा लग रहा उन्हें कि पूरे प्रदेश में टॉप किए हैं। मैं डेली पढ़ाई करता था, निरंतर पढ़ाई में और फोकस होकर पढ़ाई किया करता था। कितने घंटा पढ़ाई करते थे, इसमें किनका किनका श्रेय रहा है, किनको किनको श्रेय देना चाहेंगे? इसमें श्रेय मम्मी पापा भैया और शिक्षकों का भी योगदान रहा। भैया मैथ्स लिए थे तो उनका योगदान रहा, पापा इंग्लिश के व्याख्याता हैं तो इंग्लिश में भी पापा ने बहुत सहयोग किया। कैसा लग रहा है आपको, पूरे प्रदेश में आप टॉप किए हैं और आगे फ्यूचर में क्या करना चाहेंगे, क्या बनना चाहते हैं, आपका सपना क्या है? आगे फ्यूचर में मैं IAS अफसर बनना चाहता हूँ। हमारे साथ उनके पापा भी हैं, उनके परिजन हैं जिनका भरपूर सहयोग रहा है, उनसे जानेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है पूरे प्रदेश में उनका बालक पहला स्थान प्राप्त किया है। मुझे रिजल्ट जैसे मैंने सुना बहुत मुझे खुशी हुई कि मेरे बच्चे ने एक बार पुनः फिर टॉप आकर उसको मतलब अपना विश्वास को हम पर जता दिया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और हमारा आशीर्वाद है, उनसे अपेक्षा है कि वो भविष्य में भी बस अपने इसी को बनाए रखते। हमारे साथ उनके माँ भी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि कितने घंटा पढ़ाई करते थे या पढ़ाई में उनको कितना सहयोग आप लोगों के द्वारा किया जाता था। मेरे बच्चे तो 3-4 घंटे की ज्यादा नहीं पढ़ता था, सोता जाता था, लेकिन उसके परिश्रम को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रथम स्थान आए गए। कैसा लग रहा है आपको कि पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया? फिलहाल योगेंद्र वर्मा जो लोरमी के महाराणा प्रताप स्कूल में पढ़ते थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में कड़ी मेहनत करने के बाद पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में नाम रोशन करते हुए IAS बनने का सपना है। बहरहाल देखना होगा आने वाले दिनों में योगेंद्र वर्मा का भविष्य क्या होता है। लोरमी से संदीप सिंह ठाकुर। छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की 10वीं में रायगढ़ की निशा पटेल ने टॉप किया है। निशा को 99.33% अंक हासिल किया। निशा पटेल रायगढ़ के छोटे से गांव करंडवा की रहने वाली हैं। एक किसान की बेटी हैं। उन्होंने कहा कि आगे पढ़ाई कर डॉक्टर बनना चाहती हैं। डेली का डेली घर में तैयारी कर लेती थी, जो भी विद्यालय में पढ़ाया जाता था, और 8-8 घंटा घर में पढ़ती थी और उनकी माँ उनके पिताजी भी सहयोग करते थे कि पढ़ाई पर ध्यान दो। और हमारे शिक्षक पूरे 6 विषय के शिक्षक भी रहे। महासमुंद जिले के 3 छात्रों ने मेरिट में अपनी जगह बनाई है, जिसमें बसना के छात्र 10वीं में प्रदेश में तीसरा स्थान पाया तो तिलक झा ने 97.93% के साथ प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया।
वे सरस्वती शिशु मंदिर बसना के छात्र हैं। अगर बात बारहवीं की जाए तो अंकित भोई ने 95% अंक के साथ प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त किया तो अंजना अग्रवाल ने 94.40% अंक के साथ बारहवीं में 8वें स्थान पर पहुंची। ये दोनों ही छात्र केजी कॉन्वेंट स्कूल सरायपाली के हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और माशिम अध्यक्ष ने कहा कि हमें खुशी है कि सरकारी स्कूलों के बच्चे टॉप कर रहे हैं, हम लगातार सरकारी स्कूलों की दशा को सुधारने का प्रयास करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि चुनौतियां बहुत सारी हैं, लेकिन आने वाले 3 से 4 सालों में छत्तीसगढ़ सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा देने के मामले में देश में सबसे पहले होगा। बड़ी संख्या में टीचर्स इलेक्शन की गतिविधि में संलग्न रहते हैं, उसके बावजूद लगभग बराबर समय में ही रिजल्ट इस साल भी घोषित किए गए हैं। पिछले साल 2018 में 11वीं और 12वीं में जो हमने एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लिया था उसके आधार पर ब्लूप्रिंट तैयार करा करके वेबसाइट पर लोड किए गए थे, जिसकी वजह से सफलता को सम्मान में हमारे साथ रायपुर स्टूडियो से मौजूद है हामिद हुसैन अंसारी जो कि टॉपर हैं, डॉक्टर वर्षा जो कि मनोवैज्ञानिक है, सैयद हाजिम जुड़े हुए हैं जो कि शिक्षक हैं। हम सबसे पहले जाएंगे टॉपर के पास जाएंगे कि आखिर आपने जो सफलता प्राप्त की है, सबसे पहले स्वराज एक्सप्रेस की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? हामिद मैं इसका श्रेय अपने परिजनों को देना चाहूंगा और यहाँ के जो प्रयास के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर प्रणव बनर्जी सर, उन्हें देना चाहूंगा, उनका इस सफलता में बहुत बड़ा है। और हमारे जो टीचर्स हैं श्री सीए अमित बापना सर और सीए वर्धमान डागर सर, इनका भी सफलता में बहुत बड़ा योगदान है मेरे लिए, क्योंकि इनके बिना मैं ये सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। हामिद आप बताइए कि किस तरह से आपने पढ़ाई की, जो आपने टॉप किया है छत्तीसगढ़ में, क्या आप सोच के रखे थे कि आपको पहले लग रहा था कि हम छत्तीसगढ़ में टॉप करेंगे? नहीं, मेरा को तो बचपन से था कि कहीं टॉप करना ही है और आज वो सपना मेरा पूरा हो गया है, जिसके लिए बहुत खुशी हो रहा है मुझे। चलिए तो आपने ये भी बताइए कि आप किस तरह से पढ़ाई किए हैं, कितने घंटे आप पढ़ाई कर रहे थे और आप क्या लक्ष्य लेकर चले थे? मैं लगभग सेल्फ स्टडी 6 से 7 घंटे करता था और बाकी जो टीचर्स पढ़ाते थे उसी पा के दोबारा रिविजन करता था और डाउट को हमेशा क्लियर करवाता था। चलिए अब हम चलेंगे फाजिम जी के साथ, वो बताएंगे कि आखिर बच्चे जो हैं आज के, सबसे पहले तो टॉपर के बारे में बात करिए, टॉप करते हैं लोग किस तरह से पढ़ाई करते हैं, उन्हें किन चीजों को ध्यान में रखकर पढ़ाई करनी चाहिए? फाजिम जी गुड, देखिए जो बच्चे टॉपर्स हैं वो फोकस्ड हैं जी फाजिम, और उनको अपना स्किल पता है, उनको पता है कि मेरा सब्जेक्ट में कमांड कैसे है, टेक्निक पता है उन्हें, डेडिकेशन है उनका, फोकस है, कॉन्सेंट्रेशन, उनका एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो इसलिए ये बच्चे जो है मेहनती भी होते हैं और IQ इक्वल लेवल इनका अच्छा होता है। तो डेफिनेटली इनको पता है कि इनका लकुना कहाँ पर है, शॉर्टकमिंग कहाँ पर है, इनका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है और ये लोग लगातार कंटिन्यूअस एफर्ट्स करते हैं तो इसलिए ये टॉपर्स होते हैं। बाकी जो बच्चे आज इस एग्जाम में अगर अच्छा नहीं भी कर पाए तो उन्हें, वो बच्चे खराब नहीं है, दे आर ऑल्सो गुड, बट उन्हें क्या करना, उन्हें थोड़ा सा साल की शुरुआत से जो है थोड़ा सा रूटीन करना है, टाइम टेबल पर फोकस करना है। और अगर जो मिडिल बच्चे भी हैं, जो नीचे भी आए हैं, वो बच्चे भी अगले साल थोड़ा सा फोकस हो जाए, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन हो जाए, थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेके और साल भर मेहनत करें, तो अगर जो बच्चा लगातार कंटिन्यूअस एफर्ट डालता है डेफिनेटली वो टॉपर बन जाता है। तो बाकी बच्चे भी अच्छा कर सकते हैं, वो थोड़ा मेहनत करें, दुख होने की कोई जरूरत नहीं। वर्षा जी, अगर बात की जाए मनोवैज्ञानिक तरीके से बात की जाए, लोगों के जो बच्चे होते हैं जब वो पढ़ाई करते हैं, क्योंकि बच्चों का एक एम होता है, वो फोकस करते हैं कि हम टॉप करेंगे, टॉप 10 में आएंगे, क्या उनमें अलग से कुछ पाया जाता है जिसकी वजह से वो टॉप 10 में अपनी जगह बना पाते हैं? अगर उनकी सोच की बात करें, उनकी सोच किस तरह से होती है? जो बच्चे टॉप
जी जो आपकी सोच है वही आपको विजेता बनाती है और ये बच्चे शुरू से ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करते हैं और इनको मालूम रहता है कि हमारा लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को पाने के लिए उनको क्या क्या मेहनत करनी है। और सबसे बड़ी बात ये है टॉपर बच्चों के साथ में कि ये बहुत कंसिस्टेंट होते हैं, ये साल भर पढ़ाई करते हैं अपना और साल भर पढ़ाई करते हैं इसलिए इनको पढ़ाई का प्रेशर नहीं रहता है और टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा इनका रहता है और बहुत ज्यादा आशावादी रहते हैं। तो वो एक उनका सफलता का मनोविज्ञान यही है कि आपने कोई लक्ष्य बनाए हैं और उस लक्ष्य में आप लगातार प्रगति करते रहे और मेहनत करते रहे उसमें। वर्षा जी आज के समय की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बच्चों के पास होते हैं, टीवी होती है, बहुत सारे ऐसे उपकरण होते हैं, इंटरनेट होता है, क्या इसका असर बच्चों पर पड़ता है? डेफिनेटली देखिए टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा अपने काउंसलिंग सेशन में बच्चों को बताती हूँ कि ये जमाना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, टेक्नोलॉजी के साथ आपको सहयोग रखना जरूरी है लेकिन आपको लाइफ में बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अब अभी मैं बताऊँ कि 10वीं और 11वीं के बच्चे हैं वो व्हाट्सएप में पढ़ाई कर रहे हैं और उनके इवन टीचर्स व्हाट्सएप ग्रुप में उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ नोट शेयर कर रहे हैं, असाइनमेंट शेयर कर रहे हैं। तो आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए, गूगल में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं, लेकिन आप उसका सही यूज करिए। बंदर के हाथ में चाकू है, बंदर तरबूज भी काट सकता है और अपना हाथ भी काट सकता है। तो डिसाइड आपको करना है कि आप टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करते हैं करके। सैयद फाजिल जी, क्या बच्चों को मोबाइल फोन दिलाना, जो 10th और 12th में हो उनको लैपटॉप दिलाना, टीवी दिलाना, क्या ये सब बच्चों को दिलाना चाहिए? क्या बच्चों का प्रभाव पड़ता है? अगर प्रभाव पड़ता है तो क्या बच्चों के जो टॉप होते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, उसमें कितना प्रभाव पड़ता है? और क्या ये गैजेट्स जो जिस तरह से वर्षा जी ने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप में टीचर्स जुड़े होते हैं, क्या ये जुड़ना सही होता है? क्योंकि अब के समय में देखें तो व्हाट्सएप में लोग जुड़े होते हैं, मोबाइल से बहुत सारा काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनके पास ई बुक्स होती हैं, उनके पास बुक नहीं होती है। देखिए एक्चुअल में ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि क्लासरूम में अगर स्टडीज हो, टीचर्स अगर उस क्लासरूम में अपने स्टडीज में बोर्डम दूर करें और इनोवेटिव करें और बच्चों को इन्वॉल्वमेंट करवाए, इन्वॉल्व हो बच्चे और बच्चों का थोड़ा सा फोकस बढ़ाए, तो टीचर्स अगर अच्छे से रोल प्ले करेगा तो ये ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आफ्टरऑल व्हाट्सएप और फेसबुक में फिर ये लत लग जाएगा और इसके बाद इनके माइंड में इसका एक बहुत बुरा असर पड़ेगा इनके फिजिक्स में, इनके फिजिक में, इनके माइंड में, तो वो एक तरह का अलग प्रेशर होता है, वो नुकसान होता है। मेरे ख्याल से अगर टीचर काफी क्रिएटिव हो, टीचर अगर एक्सपेरिमेंटल हो, टीचर अगर वो पॉजिटिव हो और एटीट्यूड हो और उसमें अगर वो इंटरेस्टिंग ढंग से और बोर्डम क्लियर कर पाए और वो अगर, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है उससे बड़ा कंप्यूटर नहीं होता है, ह्यूमन ब्रेन बड़ा होता है, ह्यूमन ब्रेन चाहे तो तरह तरह के उसमें आयाम ला सकता है। तो क्लासरूम के अंदर भी बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट पैदा होता है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पर क्लासरूम में हम फेल हो रहे हैं, हमारा बोर्डम आ रहा है, हमारी कैटिट्यूड अच्छी नहीं है, इंटरेक्शन अच्छा नहीं है, डिस्कशन अच्छा नहीं है, इसीलिए कहीं पर बच्चे दूर में जाके व्हाट्सएप में जा रहे हैं। बिल्कुल सैयद जी, पहले की बात करें तो पहले बच्चों को एक्टिविटीज कराई जाती थी, लोगों बाहर घुमाया जाता था, कुछ क्राफ्ट हो गया, कुछ बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। आज के समय की बात की जाए तो जो स्कूल में आज जो पॉइंट्स लिखे होते हैं कि हमारे स्कूल में क्या क्या आपकी चीजें हैं, तो प्रोजेक्टर बताया जाता है, एसी बताया जाता है, चीजें बताई जाती है, कंप्यूटर लैपटॉप बताया जाता है, क्या पहले के और अब में अंतर होता है? क्या बच्चों में इसका क्या फर्क दिखाई देता है? देखिए क्या होता है कि इसमें कुछ बहुत कम बच्चे हैं ट्विटर और व्हाट्सएप ठीक से पढ़ाई कर पाते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे इसमें बैठ जाते हैं, वो दूसरा दिशा ले लेते हैं। दूसरी बात देखिए, हमारे पास 50 साल पहले नहीं था, ह्यूमन ब्रेन से बड़ा कोई कंप्यूटर नहीं है, ह्यूमन ब्रेन सबसे ज्यादा बड़ा होता है, उसमें हर आयाम है। अगर हम उसको एक्सप्लोर करें, उस बच्चे के इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करें, तो हमारा एनवायरमेंट, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो टीचर्स का जो लर्निंग है, उसकी जो मेंटरिंग है, उसकी जो लीडरशिप है, उसका जो विजन है, उसका जो टोन है, वो जो क्लासिक होगा, तो डेफिनेटली इसकी बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थोड़ी बहुत जरूरत पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन याद रखिएगा अगर ये बहुत बड़ा, अगर यूजफुल है तो बहुत बड़ा अभिशाप भी। हमारे बच्चे डायबिटिक हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, नींद खराब हो रही है, बैरिस्टर क्लॉक खराब हो रहा है, उनकी हेल्थ पर असर कर रहा है, तो खाली माफ करें हम ये सब अलाउ नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें एक दूसरा सिस्टम डेवलप करना चाहिए
और देखिए कि हमारे पिछले जमाने में भी लोग टॉप कर रहे थे लेकिन उनके पास ट्विटर व्हाट्सएप नहीं था। वो कौन लोग थे? वो लोग थे जो जो फोकस थे, जो पॉजिटिव थे, और वो टीचर का डेडिकेशन चाहिए, वो सब कुछ अगर वापस मिल जाएगा तो इसकी बहुत जरूरत नहीं। चलिए हामिद हुसैन जी से जान लेते हैं कि क्या आप जब पढ़ाई करते थे, जब आप ट्वेल्थ की प्रिपरेशन करते थे, क्या आपके पास मोबाइल फोन, गैजेट्स, व्हाट्सएप, ये सारी चीजें हुआ करती थी? इसका इस्तेमाल आप कर रहे थे जब आप तैयारी कर रहे थे? शुरुआत की बात करें जी, नहीं मेरे पास ये गैजेट तो नहीं थे। मैं मेरे पास सिंपल बस एक मोबाइल था, बस उसी में बातचीत होता था। व्हाट्सएप और ये सोशल मीडिया से मैं दूर था। चलिए वर्षा जी के पास जाएंगे। वर्षा जी, जिस तरह से बच्चे ये टॉपर हैं, अब इनको क्या लगता है, क्या इनके माइंड में ऐसी चीजें बन गई जैसे हामिद जी करना चाहते हैं, आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, आईपीएस तैयारी करना चाहते हैं, इनमें क्या कुछ अलग से प्रतिभा होती है, किस तरह से इनको करना चाहिए, आप इनको समझाइए, बताइए किस तरह से अभी तैयारी करें, किस तरह से इनको अपना माइंड टारगेट बना के रखना चाहिए। जी आपने टारगेट बना के रखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं सारे बोर्ड के टॉपर्स को ये भी बताना चाह रही हूँ कि बोर्ड के अंक आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, आपकी पूरी जिंदगी नहीं है, तो आप बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में मत आइएगा, क्योंकि सारे कॉम्पिटिटिव जो सारे एंट्रेंस सारे जो परीक्षाएं हो रही है, चाहे आप इंजीनियरिंग में जाओ, आपको जेई मेन्स एडवांस देना पड़ेगा, आपको डॉक्टर बनना है तो आपको नीट देना पड़ेगा, लॉयर बनना है तो क्लर्क देना पड़ेगा, इवन कलेक्टर बनना है तो आपको यूपीएससी देना पड़ेगा। अब होता क्या है कि कई बार इतने अच्छे मार्क्स आने के बाद में बच्चे बहुत कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, वो अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियरिटी में आ जाते हैं कि हमने तो 95 लाए हैं, 90 प्लस लाए हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जो आईएएस का टॉपर है इस साल कनिष्क कटारिया, उसके 55% है अपना, जेईई एडवांस में पास होने के लिए आपको 40% चाहिए। तो बोर्ड का पैटर्न एक सब्जेक्टिव है, पर आगे चल के आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में काम करना पड़ेगा। तो आज ही जैसे मैं जब बोर्ड की हेल्पलाइन में बैठी थी तो एक बच्चा 94% लाया है लेकिन वो जेई मेंस में क्लियर नहीं हो पाया, तो आप उसको देश के ना किसी आईआईटी में एडमिशन मिलेगा ना एनआईटी में एडमिशन मिलेगा। तो बच्चे को लाइफ में बैलेंस करते आना चाहिए, एकेडेमिक्स के साथ साथ एप्टीट्यूड टेस्ट, मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल, रीजनिंग, इन सब की तैयारी करो। और दूसरा, अगर आप आईएएस और आईपीएस का सोच रहे हो तो तैयारी अभी से और आज से शुरू कर दो। तो अब इनको सबसे इम्पोर्टेंट है जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज, ये बैलेंस कैसे बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज भी मायने रखता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो टॉप कर जाते हैं लेकिन तैयारी वो भी करते हैं जिनका परसेंटेज 70 से 80 होता है, वो किस तरह से बैलेंस करें क्योंकि रुकावट ना हो उनके आगे वाले लाइफ में। जी हाँ, बैलेंस करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे यहाँ जो कॉम्पिटिटिव परीक्षा का पैटर्न वो अलग है, वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे है, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करना पड़ेगी और कॉन्सेप्ट बेस्ड के बाद में आपको उसके टेस्ट की प्रैक्टिस करना पड़ेगी। जैसे ये बच्चा भी प्रयास में रहा है, ये भी जेई की तैयारी कर रहा होगा, तो इसको मालूम होगा कि इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं और वो स्पीड और एक्यूरेसी टेस्ट होता है कि आप अपनी स्पीड मेंटेन करते हुए आप अपना रिजल्ट कितना एक्यूरेट देते हो। तो उसके लिए आप पिछले 5 साल के पेपर सॉल्व करिए और टाइम बाउंडिंग करिए कि हाँ 3 घंटे हमको बैठना है और घड़ी देखकर हम पेपर सॉल्व करेंगे, और शॉर्टकट जानने की कोशिश करिए, एनसीईआरटी की बुक से कॉन्सेप्ट पढ़िए। और दूसरा, जो बच्चे यूपीएससी में या क्लैट में या पीएससी में जाना चाहते हैं, आज से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें। यह हमारे बहुत सारे बच्चों में ये बात पाई जाती है कि वो एकेडेमिक्स में बहुत अच्छे हैं लेकिन जनरल नॉलेज जो जनरल अवेयरनेस में वो थोड़ा सा कट जाते हैं 2 साल में, तो अभी उनको स्ट्रीम लाइन में आना जरूरी है और अपना जनरल नॉलेज पे फोकस करिए और एप्टीट्यूड जी। फाजिल जी, जैसे बच्चे होते हैं कुछ तो टॉप कर गए जिनका नाम होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि तैयारी बहुत करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन वो उस स्थान तक नहीं पहुंच पाते हैं और वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, उन बच्चों को आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि जो परसेंटेज कम हो गया जिनका नाम न्यूज़पेपर में अखबारों पर नहीं हो पाता है और वो सोचते हैं कि हमारा नाम यानी हम फेलियर हो गए, उन बच्चों को आप क्या बताएंगे, उनको मोटिवेट कैसे करेंगे? वेरी गुड। जिन बच्चों का नाम अखबार में नहीं है, राइट, वो उनका नाम और बड़े अखबारों में आ सकता है। एक्चुअली क्या होता है
कि वो बच्चे इस सब्जेक्ट के नहीं बने हैं, उनका कप ऑफ टी अलग है। ये जरूरी नहीं है कि वो ये साइंस में आगे जाए, हो सकता है वो बच्चा कुछ और करे। देखिए न्यूटन, आइंस्टीन, ये लोग भी पढ़ाई स्कूलों में बहुत अच्छे नहीं करे थे, लेकिन दे वर ऑल यू नो दे कुड डू वंडरफुल थिंग, मैजिकल थिंग। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सारे पेरेंट्स से, जो बच्चा मैथ्स नहीं पढ़ पाया, साइंस नहीं पढ़ पाया, जरूरी है वो शायद कुछ और पढ़ रहा होगा, उसका फोकस कुछ और होगा। तो पेरेंट्स और सोसाइटी के लोगों को चाहिए उस बच्चे को एक मौका दीजिए। हो सकता है वो क्रिकेट खेल रहा होगा, वो वॉलीबॉल खेल रहा होगा, वो टेनिस खेल रहा होगा, हो सकता है वो कोई और नई बात कर रहा होगा, हो सकता है वो शेफ होगा, वो होटल मैनेजमेंट में जाएगा, किसी और कोर्स में जाएगा, जो उसका स्किल है वो कर रहा है। तो जब हम फोर्स ना करें, हम ना परोसे, बच्चे को ओपन दीजिए, मेनू ओपन करिए कि बच्चा क्या चॉइस करे, क्या चूज करे। अब यहाँ जिनका परसेंट अच्छा नहीं है, उनको सीरियसली बैठकर सोचना पड़ेगा कि उनकी कप ऑफ टी क्या है, उनका स्ट्रेंथ क्या है, उनका कोर क्या है, उनका डायरेक्शन क्या है, उनका डायमेंशन क्या है, उसका अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसका लाइन ऑफ अटैचमेंट क्या है, इन्वॉल्वमेंट कहाँ हो रहा है, उसका इंटरेस्ट कहाँ पर, उसका कोर वैल्यू क्या पर, कोर स्ट्रेंथ क्या पर है। अगर ये सब हम पता लगा लेंगे तो डेफिनेटली उन बच्चों को भी हम दिशा दे सकते हैं और उनकी दशा बदल सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि वो अपने आपसे बातचीत करें और अपने कप ऑफ टी चुने, और कॉलेज में जाके वो आर्ट्स लेके भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं, कॉमर्स लेके बहुत आगे बढ़ सकते हैं, वो कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं। तो वो अपने हौसला बनाए रखें, बिल्कुल डिप्रेशन मत जाएं, आप अपना स्ट्रेंथ ढूंढिए, क्योंकि जो बच्चे टॉप किए हैं वो उनका स्ट्रेंथ था, तुम्हारा स्ट्रेंथ कुछ और है, नाउ सर्च योर स्ट्रेंथ। चलो शहनवाज जी से हम पूछ लेते हैं। शहनवाज, जब आप पढ़ाई कर रहे थे तब आपको अपने से आपने ये गोल फिक्स किया था, आपने एम बना के रखा था कि हमें आईएएस की तैयारी करनी है, हमें कलेक्टर ही बनना है, हमें एसपी ही बनना है, या फिर आपको घर वालों ने प्रेशर किया था कि हम आप ये तैयारी करो, इसमें आप बहुत आगे निकल जाओगे, आप क्या सोच के रखे थे? मैं आईएएस बनना नहीं चाहता, मैं सीए बनना चाहता हूं। तो फिर ये बात क्यों थी? मैं कॉमर्स ब्रांच का हूँ और कॉमर्स अच्छा, आपको सीए बनके मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की बहुत अच्छा एक वो है, तो उसको करना चाहता हूँ। ओके चलिए वर्षा जी से पूछ लेते। वर्षा जी, जैसे जो अभिभावक होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चों को बताते हैं कि आप ये करो, आपको एक अच्छा रास्ता मिलेगा, क्या लगता है कि बच्चों को बताना या तो बच्चों से पूछना कि आप क्या करना चाहते हो? क्योंकि एक पैमाना हमारे सोसाइटी में, समाज में एक फिट कर दिया जाता है कि अगर बच्चा मैथ ले लिया, यानी बच्चा बहुत पढ़ने पे अच्छा है, बच्चा अगर 90% को क्रॉस कर दिया तो बहुत पढ़ने वाला है, तो उन बच्चों में क्या अभिभावक का प्रेशर होना चाहिए या बच्चे खुद जो खुल के करना चाहे? क्योंकि आज समाज के लिहाज से अगर देखा जाए तो बच्चे क्या करते हैं? देखिए, जो मनोविज्ञान बताता है कि किसी भी व्यक्ति के जो ब्रेन का विकास, दिमाग का विकास लगभग 20 से 21 वर्ष तक होता है, तो अगर कोई ये बोल रहा है कि बच्चों को एकदम फ्री छोड़ देना चाहिए तो मैं उस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि 16-17 साल के बच्चे को ये सारे ऑप्शंस नहीं मालूम है। लेकिन पेरेंट्स प्रेशर डालने की अपेक्षा बच्चे को मेंटोर की भूमिका निभाए, और एक चौराहे पे खड़ा है बच्चा और उसको ये नहीं बोले कि तुमको जहाँ जाना है जाओ, तुम उसके लिए उसको आप चार रास्ते बताओ कि ये चौराहे में ये रास्ता ये यहाँ ले आता है, ये रास्ता यहाँ जाता है, इधर जाओगे तो यहाँ पहुँचोगे। और जैसे जो बात हो रही है कि पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि हम सिर्फ इंटरेस्ट की बात ना करें, हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ इंटरेस्ट पे बात करता है कि मैथ्स अच्छा है तो इंजीनियर बन जाओ, बायो अच्छा है तो डॉक्टर बन जाओ, लेकिन जो साइकोलॉजी बोलती है उसके लिए आपका पर्सनालिटी जरूरी है, आपका एप्टीट्यूड जरूरी है। जैसे हम लोग बच्चों का मनोवैज्ञानिक परीक्षण करते हैं, साइकोमेट्रिक असेसमेंट करते हैं, उसमें बच्चे की लर्निंग स्टाइल क्या है, लर्निंग नेचर क्या है, और बच्चे को आगे चलकर किस फील्ड में वो ज्यादा सेटिस्फाइड रहेगा और ज्यादा खुश रहेगा। तो पेरेंट्स को और टीचर को और बच्चे को और काउंसलर को, इनको आपस में मिलकर एक हैंड होल्डिंग करना है। तो बच्चों को गाइड समय समय पर उनको गाइड देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि वो गलत समय पर। फाजिल जी, आपके पास आएंगे, एक अंतिम सवाल ये कि क्या एटमोस्फियर का बच्चों पर फर्क पड़ता है, और बच्चों के अभिभावक जो है, जो कि अभी टीवी भी देख रहे होंगे, उनको किस तरह से अपने घर का माहौल बना के रखना चाहिए जिससे कि बच्चे अच्छी दिशा पे जा सके? वेरी गुड देखिए सारे टेस्ट ठीक है, लेकिन देखिए ह्यूमन ब्रेन को टेस्ट करने का कोई मशीन अभी तक नहीं बना है। ह्यूमन ब्रेन उससे बहुत ज्यादा फास्ट है, हम नहीं समझ पाएंगे कि कौन बच्चा क्या सोच रहा है, बहुत डिफिकल्ट है। एक टेस्ट करके आप किसी का ब्रेन नहीं बता सकते। मैंने बहुत रिसर्च की है, बहुत अध्ययन किया, और मैंने बच्चों को बहुत दूर तक पहुंचाया। मैं आपसे ये कहूंगा और पेरेंट्स से ये कहूंगा कि अपने बच्चों को मौका दीजिए, उनको परखने दीजिए, उनके लिए अच्छे मेंटर्स चाहिए, और वो बच्चे का स्ट्रेंथ को समझने दीजिए, और धीरे धीरे इतना जल्दीबाजी करिए, अभी लाइफ में बहुत समय बाकी है, वो आज सफल होंगे जरूरी है, बाद में भी सफल होते हैं, तो उसको पेशेंटली समय दीजिए, स्कोप दीजिए,
टाइम दीजिए और उससे इंटरेक्शन करते रहिए और पता लगाते रहिए, और जहां पर जितना प्लेटफॉर्म मिले, जितना एक्सपोजर मिले, तो पेरेंट्स जितना एक्सपोजर मिले अपने बच्चों को हर काइंड का एक्सपोजर दीजिए, और इसके बाद फिर देखिए कि उनमें से किस में वो थोड़ा सा आगे आ रहा है, उसके बाद असेसमेंट आता है, उसके बाद देखना पड़ेगा क्या होगा, क्योंकि कई बार कुछ बच्चों का ब्रेन बहुत डिफरेंट होता है, बहुत अलग होता है, आप उसको मशीन से आप कोई टेस्ट नहीं पता ना कर पाएंगे, तो ह्यूमन ब्रेन मशीन से बड़ा होगा, तो मुझे लगता है कि थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ा गाइडेंस चाहिए, थोड़ा इन्वॉल्वमेंट चाहिए, थोड़ा बच्चे को एक्सपोजर चाहिए, थोड़ा ओपनिंग करना चाहिए, और इस तरह से धीरे धीरे हमें मालूम पड़ेगा कि ये बच्चा किस तरफ जा रहा है। मैं कब बताता हूँ कि IIT पहुंचने के बाद भी बहुत बच्चे वहाँ फेल हो जाते हैं, तो ये टेस्ट करके आए हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि IIT में जाके बच्चे अच्छा कर रहा है, इट इज नॉट नेसेसरी, वहाँ भी जाके बच्चे फेल जाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ ये टेस्ट के ऊपर इमोशनल इंटेलिजेंस, IQ की बात मत करें, IQ इज वन थिंग बट इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस साइकोलॉजी का ही पार्ट है ना, बच्चे का रिटेंशन, रिकॉर्डिंग, रिएक्शन टाइम, उसका एटीट्यूड, स्टडी जो साइकोलॉजी पे करते हैं, सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हमें डिटेल करना पड़ेगा, और तब हम जान पाएंगे बच्चा तो किस मेक का है और कहाँ जा। बिल्कुल, तो इन सब चीजों का इफेक्ट भी स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ता है, इसलिए हमारे साथ सैयद फाजिल जी जुड़े हुए थे, आप जानकारी दिए, लोगों को बताए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर वर्षा जी जुड़ी हुई थी, जो मैंने वैज्ञानिक है कि किस तरह से बच्चों को बढ़ना चाहिए, किस तरह से उनके दिमाग में इसका प्रभाव पड़ता है, एटमोसफियर के ऊपर पढ़ाई, उन्होंने जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और शहनवाज, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने टॉप किया है और आपकी जो जिंदगी आगे है वो बहुत ऊपर हो, आप अपने एम को प्राप्त करें। तो आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे थे सफलता को सलाम, तो स्वराज एक्सप्रेस सफल लोगों को सलाम करता है, उन लोगों को भी सलाम करता है जो कि इस रफ्तार में दौड़े हैं, उन्होंने मेहनत की है, जो उतना अंक प्राप्त नहीं कर पाए जितना वो डिजर्व कर रहे थे, तो वो अभी उनकी जिंदगी समाप्त नहीं हो गई है, मेहनत करें, बहुत आगे बढ़ेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। बना ये हर